हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नए स्मार्टफोन का फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो, जो कि है हमारे हाथ में ओप्पो का F25 प्रो का फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। तो आज हम इस वीडियो को बताएंगे दोस्तों कि इसकी इसमें क्या ना यूनिक फीचर दिया है, किस प्राइस पॉइंट पर है दोस्तों, और आपके लिए लेने लायक है या नहीं है दोस्तों। तो ये सब सारा चीज़ बताएंगे दोस्तों। तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे हाथ में ओप्पो का F25 प्रो का फ़ोन, जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है दोस्तों। कलर जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, और इसका जो खास तौर पर डिज़ाइन है बैक में, आपको जो बैक फिनिशिंग दिया है, मैट फिनिशिंग दिया है, आपको कलर काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल जाता है आपको, और पूरा बॉक्सी का फ्रेम आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है, पतला है, स्लिम सेट है आपको दोस्तों। और लुक एंड डिज़ाइन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें टोटल दो कलर आते हैं, एक है लावा रेड, एक ब्लू कलर के आते हैं दोस्तों, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आप दिखा देंगे। प्लस शुरुआत करते हैं फिजिकल ओवरव्यू से। तो बैक साइड में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का स्लॉट मिल जाता है, इनोवेटिव AI कैमरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लैशलाइट है, और यहाँ पे ग्लास का फिनिशिंग आपको दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, प्लस पावर बटन का आपको बटन दिया हुआ है। ऊपर के साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन, नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल, हेडफोन का जैक मिसिंग है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, एक माइक्रोफोन आपको दिया हुआ दोस्तों। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइब्रिड का सिम स्लॉट है, एक सिम एक मेमोरी कार्ड, या आप दो सिम के बाद मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मेन चीज़ है यहाँ के डिस्प्ले की क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको जो कंपनी ने 6.78 इंच के साथ AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसका रिफ्रेश रेट काफ़ी फास्ट है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और पंच होल डिज़ाइन मिल जाता है दोस्तों आपको। और बेजल्स जो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी पतले बेजल्स दिए हुए हैं, जो कि आपको किसी भी ब्रांड में इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतने पतले बेजल्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा है और यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको ये दे देता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 94% आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पंची कलर मिलते हैं, मल्टीटास्किंग में आप इसका बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं वीडियो रेजोल्यूशन की बात किया जाए, तो आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आप 4K में 60 fps में वीडियो प्ले कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और विजुअल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो में देख पाइएगा। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, डार्कनेस काफ़ी अच्छे तरह से दिया, क्योंकि HDR 10 प्लस का 10 बिट कलर आपको दिया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको देगा। मोशन सेंसर आपको इसमें दिया हुआ है। और वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा दोस्तों, खासतौर पर इसका डिस्प्ले क्वालिटी। और स्पीकर की बात किया जाए तो इसमें सिंगल स्पीकर है, आपका आवाज़ नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि आवाज़ में आपका कॉपीराइट का वो लग जाएगा दोस्तों, लेकिन इसका लाउडनेस काफ़ी अच्छा है, वो चीज़ आपको हम दिखा देते हैं। 300% इसका वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल इसका मल्टीटास्किंग में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। डे टू डे लाइफ में आराम से आप यूट्यूब कोई भी कंटेंट आप देख सकते हैं। प्लस वहीं हार्डवेयर सेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको कंपनी ने जो इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है, जो डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर आपको दिया हुआ है। यही सेम प्रोसेसर ओप्पो रेनो सीरीज़ में यूज़ कर रहा है, रेनो 11 में आपको यूज़ कर रहा है, वही प्रोसेसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और रैम रोम की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ इसमें 8GB रैम है, प्लस 128 इंटरनल है। 8GB में 8GB आप बढ़ा सकते हैं। इसमें टोटल दो वेरियंट आए दोस्तों, 8128 और 8256। 8256 का और 8128 का रेट बता देते हैं दोस्तों। 8128 का जो रेट है वो आपको 23999 यानी 24000 में आया है, प्लस यहाँ पे आपको 8GB रैम, 256GB इंटरनल, जो कि आपको 26000 में आपको आया दोस्तों। प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कोई आप फ़ोन आपको यहाँ पे ये आपको अपडेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है 4 साल का, जो कि अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कैमरा का कुछ आपको यहाँ पे दिया है, 64 मेगापिक्सल बैक है, प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, प्लस डेप्थ सेंसिंग का कैमरा दिया है, फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कैमरा सेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे हमने कुछ सैंपल पहले से खींच रखे थे। फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि डिटेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखा रहा है, कोई तरह का कलर में कोई चीज़ का फेड नहीं मिल रहा है, काफ़ी नेचुरल कलर प्रोवाइड किया है। ये बैकग्राउंड में हमने ब्लर फोटो में खींचा है, ये आपको पोर्ट्रेट मोड में खींचा हुआ है, वहीं प्लस ये वाइड एंगल में खींचा हुआ है। तो वाइड एंगल का कैमरा काफ़ी डिसेंट है, डिटेलिंग थोड़ा सा नहीं सब है, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छा है नॉर्मल मोड में भी। प्लस यहीं पे आपको 2x में हमने नॉर्मल मोड में खींचा है,
प्लस ये पोर्ट्रेट मोड में खींचा हुआ है और ये 2x जूम पे खींचा हुआ है हमने दोस्तों। तो कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस कर दे रहा है और यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन भी की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 4K में 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे कंपनी 4K का सपोर्ट नहीं देते हैं। प्लस यहाँ पे आप 1080 में 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। EIS का सपोर्ट मिल जाता है जो कि वीडियो को काफ़ी स्टेबल रखने में मदद करेगा। प्लस वहीं फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है 30 fps में। ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस 1080 में 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 60 fps का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल 4K मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इसमें ढेर सारे मोड मिल जाते हैं, जिसमें प्रो मोड है, प्लस फोटोज तो है, ये पोर्ट्रेट मोड है। ये मोड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे डुअल कैमरा का फीचर्स आपको मिल जाता है, यानी कि बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फीचर्स बहुत सारे ब्रांड में मिलेंगे लेकिन ओप्पो में एक खासियत है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान डुअल कैमरा से आप बैक कैमरा को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं टोटल 10x वक्त। ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस मोड ऑप्शन में जाने के बाद ढेर सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसमें माइक्रो मोड है, हाई रेजोल्यूशन पर वीडियो फोटो क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, और यहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह मिल जाते हैं। और बात करें दोस्तों इसमें बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि आपको 5000 mAh की बैटरी होते भी काफ़ी स्लिम सेट मिल जाता है और 67W का सुपर हुक चार्जर मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैकेज दिया हो दोस्तों। तो प्राइजिंग के हिसाब से इसका जो जो वेरियंट आपको आते हैं, जो फ़ोन आपको आते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्टोर में जाएँ, इन हैंड फील करें और नेगोशिएशन करें, यानी कि आप डिस्काउंट करवा सकते हैं आप किसी स्टोर में जा करके। मोटा मोटी 1000 से 1500 से 2000 तक आपको बिना किसी कार्ड के यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप पटना में हैं, बिहार में हैं, तो आप पटना में आके हमारे शॉप में आ सकते हैं। हमारा मोबाइल शॉप है माई मोबाइल शॉप पटना बिहार पे। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे हम आपको अपना शॉप का मोबाइल नंबर भी दे देंगे। इस फ़ोन के अगर कोई इंक्वायरी चाहिए होगा तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ोन कैसा लगा दोस्तों और इस फ़ोन का किस फ़ोन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, उसका वीडियो चाहते हैं, तो उस फोन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका हम कंपेरिजन वीडियो जरूर करेंगे। बिना किसी तरीके वीडियो समाप्त करते हैं।